हाय सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगी। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो सूरह ताहा पे है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर सूरह को ताहा क्यों बोला गया है। बिकॉज हर सूरह को जो नाम दिया गया है उस पर्टिकुलर सूरह में जो कंटेंट है उसके बेस पे ही दिया गया है। तो अभी तक मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ताहा का। इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद में पता चलेगा हमें कि ताहा का क्या मीनिंग है और इस पर्टिकुलर सूरह में और क्या क्या चीजें बताई गई हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ताहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, मगर हर उस शख्स की नसीहत के लिए नाजिल किया है जो खौफ रखता है। ये उस जात का उतारा हुआ है जिसने जमीन और ऊंचे ऊंचे आसमान बनाए, यानी रहमान, जो अर्श पर जलवा अफरोज हुआ, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और जो कुछ इन दोनों के बीच में है और जो कुछ मिट्टी के नीचे है, सब उसी का है। और अगर तुम पुकार कर बात कहो तो क्या है, वो तो आहिस्ता कही हुई और निहायत पोशीदा बात तक को जानता है। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके सब नाम अच्छे हैं। और क्या तुम्हें मूसा के हाल की खबर मिली है, जब उन्होंने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा कि तुम यहां ठहरो, मैंने आग देखी है, मैं वहां जाता हूं, शायद उसमें से मैं तुम्हारे पास अंगारा लाऊं या आग के मकाम से अपना रास्ता मालूम कर सकूं। फिर जब वो वहां पहुंचे तो आवाज आई कि ऐ मूसा, मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूं, तो अपने जूते उतार दो, तुम यहां पाक मैदान यानी तुआ में हो और मैंने तुमको मुंतखब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए उसे सुनो, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। कयामत यकीनन आने वाली है, मैं चाहता हूं कि उसके वक्त को पोशीदा रखूं ताकि हर शख्स जो कोशिश करे उसका बदला पाए, तो जो शख्स उस पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता है कहीं तुमको उसके यकीन से रोक न दे, तो उस सूरत में तुम हलाक हो जाओ। और ऐ मूसा, ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, यह मेरी लाठी है, इस पर मैं टेक लगाता हूं और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं और इसमें मेरे और भी कई फायदे हैं। फरमाया कि मूसा इसे जमीन पर डाल दो, तो उन्होंने उसको डाल दिया और वो यकायक सांप बनकर दौड़ने लगा। फरमाया कि इसे पकड़ लो और डरना मत, हम इसको अभी इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे, और अपना हाथ अपनी बगल में दबा लो कि वो किसी ऐब व बीमारी के बगैर सफेद चमकता दमकता निकलेगा। ये दूसरी निशानी है ताकि हम तुम्हें अपने बड़े बड़े निशानात दिखाएं। तुम फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है। कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ ले, और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वजीर यानी मददगार मुकर्रर फरमा, यानी मेरे भाई हारून को, उससे मेरी कमर को मजबूत कर और उसे मेरे काम में शरीक कर ताकि हम तेरी बहुत सी तस्बीह करें और तुझे कसरत से याद करें, तू हमको हर हाल में देख रहा है। फरमाया, मूसा तुम्हारी दुआ कबूल की गई, और हमने तुम पर एक बार और भी एहसान किया था जब हमने तुम्हारी वालिदा को इल्हाम किया था जो तुम्हें बताया जाता है, वो ये था कि इसे यानी मूसा को संदूक में रखो, फिर इस संदूक को दरिया में डाल दो तो दरिया उसको किनारे पर डाल देगा और मेरा और इसका दुश्मन इसे उठा लेगा। और मूसा, मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी और इसलिए कि तुम मेरे सामने परवरिश पाओ। जब तुम्हारी बहन वहां फिरौन के यहां गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें उसका पता दूं जो इसको पाले पोसे, तो इस तरीक से हमने तुमको तुम्हारी मां के पास पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो रंज ना करें, और तुमने एक शख्स को मार डाला था तो हमने तुमको गम से नजात दी, और हमने तुम्हारी कई बार आजमाइश की, फिर तुम कई साल अहले मदीन में ठहरे रहे, फिर ऐ मूसा तुम एक अंदाजे पर आ पहुंचे और मैंने तुमको अपने काम के लिए बनाया है, तो तुम और तुम्हारा भाई दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ और मेरी याद में सुस्ती ना करना, दोनों फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है और उससे नरमी से बात करना, शायद वो गौर करे या डर जाए,
दोनों कहने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें खौफ है कि वो हम पर ज्यादती करने लगे या ज्यादा सरकश हो जाए। अल्लाह ने फरमाया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं कि सुनता और देखता हूं। अच्छा तो उसके पास जाओ और कहो कि हम आपके परवरदिगार के भेजे हुए हैं, तो बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दीजिए और उन्हें अजाब न कीजिए। हम आपके पास आपके परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आए हैं और जो हिदायत की बात माने उसको सलामती हो। हमारी तरफ ये वही आई है कि जो झुटलाए और मुंह फेरे उसके लिए अजाब तैयार है। गरज मूसा और हारून फिरौन के पास गए, उसने कहा कि मूसा तुम्हारा परवरदिगार कौन है? कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्ल सूरत बख्शी फिर राह दिखाई। कहा तो पहली कौमों का क्या हाल हुआ? फरमाया कि उनका इल्म मेरे परवरदिगार को है जो किताब में लिखा हुआ है। मेरा परवरदिगार न चूकता है न भूलता है। वो वही तो है जिसने तुम लोगों के लिए जमीन को फर्श बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रस्ते बना दिए और आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे मुख्तलिफ नबातात पैदा की कि खुद भी खाओ और अपने मवेशियों को भी चराओ। बेशक इन बातों में अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। इसी जमीन से हमने तुमको पैदा किया और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे और इसी से हम तुम्हें दूसरी दफा निकालेंगे। और हमने फिरौन को अपनी सब निशानियां दिखाई मगर वो तकजीब और इनकार ही करता रहा। कहने लगा कि मूसा क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि अपने जादू के जोर से हमें हमारे मुल्क से निकाल दो? तो हम भी तुम्हारे मुकाबिल ऐसा ही जादू लाएंगे, तो हमारे और अपने दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर लो कि न तो हम उसके खिलाफ करें और न तुम, और यह मुकाबला एक हमवार मैदान में होगा। मूसा ने कहा कि आपके लिए यौम जीनत का वादा है और यह कि लोग उस रोज दिन चढ़े इकट्ठे हो जाएं। तो फिरौन लौट गया और अपने सामान जमा करके फिर आया। मूसा ने उन जादूगरों से कहा कि यह तुम्हारी बर्बादी होगी, अल्लाह पर झूठ ना बांधो, वो तुम्हें अजाब से फना कर देगा, और जिसने झूठ बांधा वो नामुराद रहा। तो वो बाहम अपने मामले में झगड़ने और चुपके चुपके सरगोशी करने लगे। कहने लगे ये दोनों जादूगर हैं, चाहते हैं कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दें और तुम्हारे बेहतरीन मजहब को नाबूद कर दें। तो तुम जादू का सामान इकट्ठा कर लो और फिर कितार बांध कर आओ। आज जो गालिब रहा वही कामयाब हुआ। जादूगर बोले कि मूसा या तो तुम अपनी चीज डालो या हम अपनी चीजें पहले डालते हैं। मूसा ने कहा बल्कि तुम ही पहले डालो। जब उन्होंने चीजें डाली तो यकायक उनकी रस्सियां और लाठियां मूसा के ख्याल में ऐसी आने लगी कि वो मैदान में इधर उधर दौड़ रही हैं। उस वक्त मूसा ने अपने दिल में खौफ महसूस किया। हमने कहा खौफ ना करो, बिला शुबा तुम ही गालिब रहोगे, और जो चीज यानी लाठी तुम्हारे दाहिने हाथ में है उसे डाल दो कि जो कुछ उन्होंने बनाया है उसको वो निगल जाएगी। जो कुछ उन्होंने बनाया है ये तो जादूगरों के हथकंडे हैं और जादूगर जहां भी जाए कामयाब नहीं होगा। इस पर जादूगर सजदे में गिर पड़े, कहने लगे कि हम मूसा और हारून के परवरदिगार पर ईमान लाए। फिरौन बोला कि पेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं तुम इस पर ईमान ले आए, बेशक ये तुम्हारा बड़ा यानी उस्ताद है जिसने तुमको जादू सिखाया है, सो मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ समत से कटवा दूंगा और तुमको खजूरों के तनों पर सूली चढ़वा दूंगा, और तुमको मालूम होगा कि हम में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर तक रहने वाला है। उन्होंने कहा कि जो दलाइल हमारे पास आ गए हैं उन पर और जिसने हमको पैदा किया है उस पर हम आपको हरगिज तरजीह नहीं देंगे, तो आपको जो हुक्म देना हो दे दीजिए, और आप जो हुक्म दे सकते हैं वो सिर्फ इसी दुनिया की जिंदगी में दे सकते हैं। हम तो अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए ताकि वो हमारे गुनाहों को मुआफ करे और उसे भी जो आपने हमसे जबरदस्ती जादू कराया, और अल्लाह सबसे अच्छा है और हमेशा बाकी रहने वाला है। जो शख्स अपने परवरदिगार के पास गुनाहगार होकर आएगा तो उसके लिए जहन्नम है जिसमें न वो मरेगा न जिएगा, और जो उसके रूबरू ईमानदार होकर आएगा और अमल भी नेक किए होंगे तो ऐसे लोगों के लिए ऊंचे ऊंचे दर्जे हैं यानी हमेशा रहने के बाग जिनके नीचे नहरें बह रही हैं हमेशा उनमें रहेंगे, और ये उस शख्स का बदला है जो पाक हुआ। और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रातों रात निकाल ले जाओ, फिर उनके लिए समंदर में लाठी मारकर खुश्क रास्ता बना दो, फिर तुमको न फिरौन के आ पकड़ने का खौफ होगा और न गर्क होने का डर,
फिर फिरौन ने अपने लश्करों के साथ उनका ताकुब किया तो समंदर की मौजों ने उन पर चढ़कर उन्हें ढांक लिया यानी डुबो दिया, और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह कर दिया और सीधे रास्ते पर न डाला। ऐ आले याकूब, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से नजात दी और तौरात देने के लिए तुमसे कोहे तूर की दाहिनी जानिब मुकर्रर की और तुम पर मन और सलवा नाजिल किया और हुक्म दिया कि जो पाकीजा चीजें हमने तुमको दी हैं उनको खाओ और उसमें हद से ना निकलना, वरना तुम पर मेरा गजब नाजिल होगा और जिस पर मेरा गजब नाजिल हुआ वो हलाक हो गया। और जो तौबा करे और ईमान लाए और अमल नेक करे फिर सीधे रास्ते चले उसको मैं बख्श देने वाला हूं। और ए मूसा, तुमने अपनी कौम से आगे चले आने में क्यों जल्दी की? कहा वो मेरे पीछे आ रहे हैं। और ए मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी तरफ आने की जल्दी इसलिए की कि तू खुश हो जाए। फरमाया कि हमने तुम्हारी कौम को तुम्हारे बाद आजमाइश में डाल दिया है और सामरी ने उनको बहका दिया है। और मूसा गुस्से और गम की हालत में अपनी कौम के पास वापस आए और कहने लगे कि ए कौम, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था? क्या मेरी जुदाई की मुद्दत तुम्हें लंबी मालूम हुई या तुमने ये चाहा कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से गजब नाजिल हो और इसलिए तुमने मुझसे जो वादा किया था उसके खिलाफ किया? वो कहने लगे कि हमने अपने इख्तियार से आपसे वादा खिलाफी नहीं की, लेकिन हम उन लोगों के जेवरों का बोझ उठाए हुए थे, फिर हमने उसको आग में डाल दिया और इसी तरह सामरी ने डाल दिया। तो उसने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया यानी एक बेजान जिस्म जिसमें गाय की सी आवाज थी। तो लोग कहने लगे कि यही तुम्हारा माबूद है और यही मूसा का माबूद है, मगर वो भूल गए हैं। तो क्या ये लोग नहीं देखते कि वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और न उनके नुकसान और नफे का कुछ इख्तियार रखता है? और हारून ने उनसे पहले ही कह दिया था कि लोगों, इसके जरिए तुम्हें फितने में डाल दिया गया है और तुम्हारा परवरदिगार तो रहमान ही है, तो मेरी पैरवी करो और मेरा कहा मानो। वो कहने लगे कि जब तक मूसा हमारे पास वापस ना आए हम तो इसकी पूजा पर कायम रहेंगे। फिर मूसा ने हारून से कहा कि ए हारून, जब तुमने उनको देखा था कि गुमराह हो गए हैं तो तुमको किस चीज ने रोका था, यानी इस बात से कि तुम मेरे पीछे चले आओ, भला तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ क्यों किया? कहने लगे कि ए मां जाए, मेरी दाढ़ी और सर के बालों को न पकड़िए, मैं तो इससे डरा कि आप ये ना कहें कि तुमने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात को मलहूज ना रखा। मूसा ने फरमाया, तो ए सामरी तेरा क्या हाल है? उसने कहा कि मैंने ऐसी चीज देखी जो औरों ने नहीं देखी, तो मैंने फरिश्ते के नक्शे पा से मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली, फिर उसको बछड़े के जिस्म में डाल दिया और मुझे मेरे जी ने इस काम को अच्छा बताया। मूसा ने कहा, जा तुझको दुनिया की जिंदगी में यह सजा है कि कहता रहे कि मुझको हाथ ना लगाना, और तेरे लिए एक और वादा है यानी अजाब का जो तुझसे टल ना सकेगा, और जिस माबूद की पूजा पर तू जमा हुआ था उसको देख, हम उसे जला देंगे, फिर उसकी राख को उड़ाकर दरिया में बखेर देंगे। तुम्हारा माबूद तो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसका इल्म हर चीज पर मुहीत है। इस तरह हम तुमसे वो हालात बयान करते हैं जो गुजर चुके हैं और हमने तुम्हें अपने पास से नसीहत की किताब अता फरमाई है। जो शख्स इससे मुंह फेरेगा वो कयामत के दिन गुनाह का बोझ उठाएगा, ऐसे लोग हमेशा इस अजाब में मुब्तला रहेंगे और ये बोझ कयामत के रोज उनके लिए बुरा होगा, जिस रोज सूर फूंका जाएगा और हम गुनाहगारों को यूं इकट्ठा करेंगे कि उनकी आंखें नीली नीली होंगी। तो वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे कि तुम दुनिया में सिर्फ 10 ही दिन रहे हो, जो बातें ये करेंगे हम खूब जानते हैं। उस वक्त उनमें सबसे अच्छी राह वाला यानी आकिल होशमंद कहेगा कि नहीं बल्कि सिर्फ एक ही रोज ठहरे हो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे पहाड़ों के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मेरा रब उनको राख बनाकर बखेर देगा, फिर जमीन को हमवार मैदान कर छोड़ेगा जिसमें तुम कोई नशेब व फराज ना देखोगे। उस रोज लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे और उसकी पैरवी से इनहिराफ न कर सकेंगे और रहमान के सामने आवाजें पस्त हो जाएंगी, तो तुम एक हल्की आवाज के सिवा कोई आवाज न सुनोगे। उस रोज किसी की सिफारिश कुछ फायदा न देगी मगर उस शख्स की जिसे रहमान इजाजत दे और उसकी बात को पसंद फरमाए। जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है वो उसको जानता है
और वो अपने इल्म से अल्लाह के इल्म का इहाता नहीं कर सकती। और उस जिंदा व कायम के रूबरू मुंह लटक जाएंगे, और जिसने जुल्म का बोझ उठाया वो नामुराद रहा, और जो नेक काम करेगा और मोमिन भी होगा तो उसको न जुल्म का खौफ होगा और न नुकसान का। और हमने इसको इसी तरह का कुरान अरबी नाजिल किया है, और इसमें तरह तरह के डरावे बयान कर दिए हैं ताकि लोग परहेजगार बने या अल्लाह उनके लिए नसीहत पैदा कर दे। तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह है आली कद्र है, और कुरान की वही जो तुम्हारी तरफ भेजी जाती है उसके पूरा होने से पहले कुरान के पढ़ने में जल्दी ना किया करो, और दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे और ज्यादा इल्म दे। और हमने पहले आदम से अहद लिया था मगर वो उसे भूल गए, और हमने उनमें इरादे की पुख्तगी न पाई। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम के आगे सजदा करो तो सब सजदे में गिर पड़े, मगर इबलीस ने इनकार किया। इस पर हमने फरमाया कि आदम ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, तो ये कहीं तुम दोनों को बहिश्त से न निकलवा दे, फिर तुम तकलीफ में पड़ जाओ। यहां तुमको ये आसाइश है कि न भूखे रहो न नंगे, और ये कि न प्यासे रहो और न धूप खाओ। फिर शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और कहा कि आदम भला मैं तुमको ऐसा दरख्त बताऊं जो हमेशा की जिंदगी का बायस हो और ऐसी बादशाहत के कभी जायल ना हो। सो दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया तो उन पर उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं, और वो अपने ऊपर बहिश्त के पत्ते चिपकाने लगे। और आदम ने अपने परवरदिगार के हुक्म के खिलाफ किया तो वो अपने मकसद से बेराह हो गए। फिर उनके परवरदिगार ने उनको नवाजा तो उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाई और सीधी राह बताई। फरमाया कि तुम दोनों यहां से नीचे उतर जाओ, तुम में बाज के दुश्मन होंगे, फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए तो जो शख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो ना गुमराह होगा और ना तकलीफ में पड़ेगा, और जो मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी और कयामत को हम उसे अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा कि मेरे परवरदिगार तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, मैं तो देखता भालता था। अल्लाह फरमाएगा कि ऐसा ही चाहिए था, तेरे पास हमारी आयतें आईं तो तूने उनको भुला दिया, इसी तरह आज हम तुझको भुला देंगे। और जो शख्स हद से निकल जाए और अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान न लाए हम उसको ऐसा ही बदला देते हैं, और आखिरत का अजाब बहुत सख्त और हमेशा बाकी रहने वाला है। तो क्या यह बात इन लोगों के लिए मूजिब हिदायत ना हुई कि हम इनसे पहले बहुत से फिरकों को हलाक कर चुके हैं जिनके रहने के मकामात में ये चलते फिरते हैं। अक्ल वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं, और अगर एक बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले सादिर और जजाए आमाल के लिए एक मियाद मुकर्रर ना हो चुकी होती तो नुजूल अजाब लाजिम हो जाता। बस जो कुछ ये बकवास करते हैं उस पर सब्र करो, और सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तस्बीह व तहमीद किया करो, और रात की कुछ घड़ियों में भी उसकी तस्बीह किया करो, और दिन के मुख्तलिफ औकात यानी दोपहर के वक्त भी, ताकि तुम खुश हो जाओ। और कई तरह के लोगों को जो हमने दुनिया की जिंदगी में आराइश की चीजों से नवाजा है ताकि उनकी आजमाइश करें, उन पर निगाह न करना, और तुम्हारे परवरदिगार की अता फरमाई हुई रोजी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है। और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो और उस पर कायम रहो। हम तुमसे रोजी के खासगार नहीं बल्कि तुम्हें हम रोजी देते हैं, और नेक अंजाम अहले तकवा का है। और कहते हैं कि ये पैगंबर अपने परवरदिगार की तरफ से हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं लाए, क्या इनके पास पहली किताबों की निशानी नहीं आई? और अगर हम इनको पैगंबर के भेजने से पेशतर किसी अजाब से हलाक कर देते तो ये कहते कि ऐ हमारे परवरदिगार तूने हमारी तरफ कोई पैगंबर क्यों ना भेजा कि हम जलील और रुस्वा होने से पहले तेरे अहकाम की पैरवी करते। कह दो कि सब नताइज आमाल के मुंतजिर हैं, सो तुम भी मुंतजिर रहो, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि दीन के सीधे रस्ते पर चलने वाले कौन हैं और जन्नत की तरफ राह पाने वाले कौन हैं, हम या तुम है। ताहा, सो इस पर्टिकुलर सुरह में जो है मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, कि जो पूरी दुनिया को बनाने वाली वो ही खुदा हैं जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया है, उन्होंने कैसे
पूरी ये दुनिया में उन्होंने जमीन बनाई, फिर उस जमीन पे इंसान को बनाया, इंसान वहीं से बना और एक दिन वहीं पे उसने चले जाना है। तो ऊपर आसमान, नीचे ज़मीन और ज़मीन के नीचे जो भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, वो सारी उस खुदा की बनाई हुई है। तो ये हम सब विश्वास करते हैं कि इस सारी दुनिया को बनाने वाला है एक ही खुदा है। तो देर इज़ नो डाउट ऑन दैट कि इस दुनिया को उस खुदा ने ही बनाया है। और इस पर्टिकुलर सुराह में मैंने दो चीज़ें और नोटिस की जो मैं कुरान और हम में भी सुन चुकी हूँ पहले। इसमें एक तो उन्होंने बोला था कि जब वो मूसा अली इस्लाम को बोलते हैं कि आप फिरौन के पास में जाओ, तो जब वो फिरौन के पास जाते हैं तो उन्होंने पहले खुदा को बोला था कि मेरी जुबान की गिरह खोल दो। तो ये चीज़ हम कुरान और हम में भी सुन चुके हैं कि गिरह खोल दो का मतलब होता है कि मतलब मेरी आवाज़ में इतना कॉन्फिडेंस दो, और मतलब मैं अटकू नहीं, या मैं उनके सामने जाके कुछ ऐसा ना हो कि मैं बोल ही ना पाऊँ फिर उनके सामने जाके। तो उस टाइम पे मूसा अली इस्लाम ने अल्लाह से ये प्रेयर की थी कि आप मुझे बोल तो रहे हो कि मैं उसके पास जाके उससे बात करूं, लेकिन मेरी पहले आप जुबान की गिरह खोल दो ताकि मैं उसके सामने जाके उनसे बात कर सकूं। तो ये गिरह खोलने वाली बात और क्यों बोली गई थी, गिरह का क्या मीनिंग होता है, ये सारी चीज़ हमें कुरान में बहुत, कुरान और हम का जो हमने एपिसोड देखा था उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी। और सेकंड वाली चीज़ जो इन्होंने मेंशन की थी कि जब मूसा अली इस्लाम की मदर को उन्होंने बोला था कि आप इनको, जब वो छोटे से थे, कि आप इनको एक संदूक में डालो और उस संदूक को उसमें नदी में फेंक दो, तो कुरान और हम में भी बोला गया था कि आपको नदी में ऐसे रखना नहीं है, उसको ऐसे ज़ोर से फेंकना है। तो जिसमें उन्होंने फिर बताया था कि उनकी मदर बहुत अपसेट हो गई थी, दुखी हो गई थी कि मैं कैसे अपने बच्चे को फेंक दूँ, तो ऑल्दो उन्होंने फेंक दिया था। तो ये चीज़ इसमें दोबारा से बताई गई है, दोबारा से नहीं मतलब इस सुरह में भी बताई है, दोबारा से हम लोग सुन रहे हैं इसे। तो इसका मीनिंग क्या था कि उन्हें बोला गया था कि आप फेंक दो, क्योंकि अल्लाह को पता था कि मैं अल्टीमेटली एक दिन दोबारा जो मूसा अली इस्लाम है उनको अपनी मदर के पास में वापस भेज दूंगा ताकि उनकी आँखों को ठंडक मिल सके। वो ठंडक का मीनिंग और वो सब चीज़ें हम लोगों ने कुरान और हम में बहुत डिटेल से समझ ली थी। और ये दो चीज़ें थी जो इमिडिएटली मैं खुश हो गई थी जब मैंने सुरह में सुनी, क्योंकि इनके बारे में, इनके एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग भी मुझे पता था क्योंकि मैं कुरान और हम वाले एपिसोड्स में देख चुकी हूँ। और उसके अलावा इसमें मूसा अली इस्लाम और हज़रत आदम के बारे में भी बताया है, जब उस लोगों ने एक फ्रूट खा लिया था, फ्रूट खाने की वजह से उन्हें अल्लाह ने इस धरती पे भेज दिया था। तो ये स्टोरी कोई भी मजहब के लोग हों, सब लोगों ने सुनी हुई है। तो उस स्टोरी का भी इसमें जिक्र किया गया है कि उन्हें जो, और मुझे ये नहीं पता था कि उन्होंने वो फ्रूट क्यों खाया था, मुझे लगा था कि उन्हें शायद टेम्पटिंग लगा होगा तो उन्होंने तोड़ के खा लिया। बट जो इब्लीस थे, जो कि उन्हें पसंद नहीं करते थे आदम और ईव को, तो बट जो इब्लीस थे जो आदम और ईव को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने उन्हें बोला था कि आप ये फ्रूट खा लो। तो ये फ्रूट खाने के लिए इब्लीस ने बोला था, ये मुझे आज पता चला है, पहले नहीं पता था। तो इस पर्टिकुलर सुरह में और भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, कन्वर्जेशन बिटवीन मूसा अली इस्लाम और फिरौन, उसके बाद में फिरौन ने उनकी, उनको कैसे रिजेक्ट कर दिया और उन्हें जादूगर बोला कि आप जादू करके ये सब चीज़ें करते हो। तो जो फिरौन थे उन्होंने अपने जादूगर को बुला लिया था, वो तो लोकल जादूगर थे जो बस ऐसी ट्रिक्स करके दिखाते हैं, बट जो मूसा अली इस्लाम थे उन्होंने कोई ट्रिक नहीं की थी, उन्हें जो उन्होंने छड़ी फेंकी और वो सांप बन गई थी, तो वो तो अल्लाह के करम से ही वो ऐसे बनी थी। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स इसमें बयान किए गए हैं। और एक और चीज़ है ये जादूगर वाली, इसमें भी मूसा अली इस्लाम को भी जादूगर बोला गया, और हमें पता है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जादूगर बोला था। मोहम्मद सबके लिए वाली एपिसोड में हम लोगों ने देखा था ना। अभी मैं आपको कुरान और हम, मोहम्मद सबके लिए, सबकी एग्जाम्पल्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी नॉलेज मतलब इन्हेंस हो चुकी है, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने कुरान और हम में क्या देखा था, मोहम्मद सबके लिए मैं क्या देखा था। तो आई कैन को रिलेट कि अच्छा, मूसा अली इस्लाम को भी लोगों ने जादूगर बोला, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोग जादूगर बोलते थे। तो मीन्स जो पहले वाले मैसेंजर के साथ में हुआ था, काफ़ी चीज़ें हैं जो लोगों ने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी सेम चीज़ बोली, क्योंकि लोगों के लिए इतना ईजी नहीं था इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि ये लोग
अल्लाह के मैसेंजर हैं। फिर इस सुरहा में आगे वो बछड़े वाली बात भी है जो आप लोगों ने मुझे पहले कमेंट करके बताई थी, जब मैंने पूछा था कि जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की शुरुआत की थी तो उससे पहले जो उमर थे वो किस रिलीजन को फॉलो करते, तो आप लोगों ने बताया था कि वो बछड़े की पूजा करने लग गए थे। तो वो बछड़े वाली बात इस सुरहा में मैंने सुनी है कि मतलब क्यों करने लग गए थे, जब मूसा अलैहि सलाम गए थे तो लोगों ने पीछे से उस बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को पता चलती हैं जब हम लोग सुरहा को सुनते हैं। जब तक आप किसी चीज को सुनोगे नहीं कभी भी, तो फिर ऑब्वियसली चांसेस बहुत कम रहते हैं कि आपको कहाँ से ही नॉलेज मिलेगी। अगर आप इंटरेस्ट शो करोगे तभी दूसरे लोग भी आपकी हेल्प करते हैं सीखने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे हेल्प करते हैं। अगर मेरा कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे बताते हो कि क्या मतलब सही है और क्या गलत है। और एक चीज और है मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि मुझे एक कमेंट आया था कि मेरी जो वीडियोस है बीच में इतनी ज्यादा कट 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 करके मैं क्यों बनाती हूँ, मीन्स बीच में कट करके फिर पार्ट को कंबाइन करती हूँ। तो उसका रीजन ये है कि मेरे घर के पास में एक कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वो कंस्ट्रक्शन की वजह से जब टाइल्स को कट किया जाता है तो वो बहुत ही नॉइज करती है, शी शी आप लोगों ने सुनी होगी वो साउंड जो आती है जब टाइल्स को कट किया जाता है, एक जो प्रॉपर मशीन चलती है उनको कट करने के लिए ऐसा वाला साउंड आता है, तो वो बहुत ही इरिटेटिंग साउंड होता है जो आता है। वो जैसे बीच में आता है तो मैं अपनी वीडियो को पॉज कर देती हूँ उस टाइम पे, और उसके बाद मैं फिर दोबारा से स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट वॉन्ट यू गाइज कि आप वो ची वाली साउंड सुनो। बट फिर भी हो सकता है वीडियो में कहीं ना कहीं बीच में आपको वो ची जरूर आ गया हो। बाकी मेरे यहाँ पर ही गार्डन होने की वजह से बहुत बर्ड्स जो है वो भी बहुत आके चिरपिंग करते रहते हैं यहाँ पे। कभी आपने क्रो की साउंड सुनी होगी, कभी वो जो स्पैरोज होती हैं छोटी छोटी उनकी आपने चीं 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 सुनी होगी, तो वो ठीक है, मीन्स उनका साउंड तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है, उनका मैं फिर भी इतना कट नहीं करती। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन के बीच में आवाज आती है ना चीं, तो उसको मुझे कट करना पड़ता है। तो यही रीजन है कि मेरी वीडियोस में आप लोग देखेंगे कि बीच बीच में कट कट करके दोबारा से उसको क्लब किया होता है। तो ये थोड़े दिनों तक ही होगा जब तक ये कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो जाती, उसके बाद में आपको बिना नॉइस के सारी क्लियर वीडियोस दिखाई देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग थोड़ा सा और कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ में, और ये जो बीच में थोड़ी सी कट करके वीडियोज कंबाइन हो रही हैं प्लीज इसको जस्ट ओवरलुक कर दो। और बाकी सारी वीडियोस है इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को गेन होती है, उसे सुनते रहना आप लोग। और आज की इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं जी, बाय बाय।